नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड इज डायनामिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पीएन जंक्शन का जो आपका कंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायनामिक वाले की बात हो रही है यहां पर। तो आपको अगर मैं बात करूं तो डायनामिक कंडक्टेंस क्या होता है, जीएम इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ईटा वीटी, आई एफ भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो ये होता है बेसिकली। तो आप यहां से आप देख रहे हैं तो आपका कंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल वोल्टेज के, है ना। तो थर्मल वोल्टेज का तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका करंट है उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो करंट इंक्रीज होगा तो आपका कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा इस करंट, है ना, सी आंसर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटिंग एट बायस वोल्टेज वी एंड कैरिंग करंट आई इज। एसी रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, है ना। तो एसी रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है वोल्टेज का अपॉन डिफरेंस होता है करंट का। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपने अच्छे से पढ़ा हो, है ना। स्मॉल आर से शो करते हैं एसी रेजिस्टेंस को, ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, आपको दे रखे हैं सिलिकॉन दे रखा है, जर्मेनियम डायोड है, एलईडी है, पिन डायोड है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, वेरी लो रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट, लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप। और आपको ये बता दूं, अगर मैं आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक देखी है, है ना, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की कैरेक्टरिस्टिक आपने दोनों की देखी है। तो अगर मैं बात करूं पहले आपकी, किसकी, जर्मेनियम की बात करूं या सिलिकॉन की बात करूं, चलो जर्मेनियम की बात करते हैं। तो जर्मेनियम का जो ब्रेक इन वोल्टेज होता है काफी लो होता है, ये जर्मेनियम के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ये होता है कुछ इस तरह से इसका ग्राफ। और यही मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ब्रेकिंग वोल्टेज थोड़ा हाई होता है, लेकिन रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो लो होता है। तो इसका अगर मैं आंसर देना चाहूं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम का जो लो रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट होती है, लो रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट होती है ना, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो ग्राफ से ये सिलिकॉन का है ना, तो लो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है जबकि जर्मेनियम की उससे ज्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा ही था रिवर्स सैचुरेशन करंट जो जर्मेनियम की होती है वो माइक्रो एम्पियर्स में होती है, और सिलिकॉन की जो रिवर्स सैचुरेशन होती है वो नैनो एम्पियर्स में होती है। मैंने आपको साफ साफ लिखवाया भी है और बार बार मैंने इस पर फोकस भी किया है। इसके बाद जर्मेनियम डायोड की बात करें तो जर्मेनियम डायोड जो होगा आपका हो जाएगा थ्री, थ्री हो जाएगा, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप, थ्री हो जाएगा, है ना। तो आप देख ही रहो इसका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, मैंने टिपिकल वैल्यू भी लिखवाई थी 0.2, इसकी 0.6, 0.7 इस तरह से मैंने आपको लिखवाई थी, है ना। जर्मेनियम की 0.2 के आसपास होती है, उसकी 0.7 के आसपास होती है। इसी प्रकार पहले का हो गया 2, उसका हो गया 3, तो भैया ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया, डी आंसर हो जाएगा। सी का हो जाएगा 4, एलईडी जो है कट ऑफ वेवलेंथ बेसिकली होता है, और पिन डायोड का यहां पर हो जाएगा क्या, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज होता है। ठीक है, तो कई बार आपको इस तरह से भी सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन, जब आपको डायरेक्ट इस तरह से ना देखने को मिले। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लिक्शन लेयर ऑफ पी प्लस एन जंक्शन लाए, पी प्लस एन जंक्शन की बात हो रही है। मैंने आपको इसमें तीन क्वेश्चन कराए थे, पी एन हो गया, पी प्लस एन हो गया और पी एन प्लस हो गया, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे थ्योरी में।
चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पी प्लस एन जंक्शन है तो मोस्टली डिप्लेशन लेयर कहां पे लाई करेगी, एन जंक्शन में, एन रीजन में क्या करेगी, लाई करेगी, बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका इसका डायग्राम देखने को मिलेगा, ये आपका पी प्लस है और ये आपका एन है, तो बेसिकली आपकी डिप्लेशन लेयर यहां पर ज्यादा होगी और यहां पर क्या होगी, कम होगी। तो एन रीजन में आपकी क्या होगी, डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगी। इसका उल्टा कर दो, अगर आप इसका उल्टा कर दो, जैसे अगर आपका आ गया पी एन प्लस आ जाता, तो उस केस में क्या हो जाता, पी में ज्यादा डिप्लेशन लेयर होती, एन में डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन साइडेड अब्रप्ट जंक्शन। वन साइडेड अब्रप्ट जंक्शन की बात हो रही है, वन साइडेड है ना, डोपिंग 10^21, लाइटली डोप साइड, जीरो बायस वोल्टेज, बिल्ड इन वोल्टेज इज 0.2, डिप्लेशन लेयर विथ ऑफ अब्रप्ट जंक्शन इज, अब्रप्ट जंक्शन की बात हो रही है डब्ल्यू, है ना, इसकी विथ निकालनी है। तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, आप डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 VI, बिल्ड इन वोल्टेज जो होता है VVI, है ना, इसके बाद एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा भैया ND, अपॉन क्या हो जाएगा ND, साथ में क्या हो जाएगा Q यानी चार्ज। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला हो जाएगा, और पूरा अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो पूरा फॉर्मूला भी आपको पता होगा, W इक्वल टू क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन क्यू, 1 upon Na प्लस 1 upon ND इंटू में आपका वी नॉट होता है, हाँ ना, जिसमें रिवर्स बायस वोल्टेज और वो होता है, लेकिन यहां पर सिंगल साइड है इसलिए कि केवल हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए रख दीजिए वैल्यू 2 × आपका अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड वोल्टेज 0.2, बिल्ड इन वोल्टेज जो है 0.2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 8.875 × 10^-12, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है 16, डिवाइड बाय एनडी 10^21, और चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10^-19 कूलम, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व करने पर आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 0.6 माइक्रोमीटर के आसपास, है ना, 0.6 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है वाला, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला है, बोला डायोड करेंट इज कंट्रोल्ड बाय माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन ओवर पोटेंशियल बैरियर। डायोड जो करंट है बोल रहा है कंट्रोल होती है माइनॉरिटी कैरियर के कारण, ये बोलना चाह रहा है। दूसरा बोल रहा है एट हाई फॉरवर्ड बायस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द न्यूट्रल रीजन इज नो लॉन्गर नेग्लिजिबल एज माइनॉरिटी चार्ज डेंसिटी अप्रोचेस द मेजोरिटी चार्ज डेंसिटी, द डायोड स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ ओमिक डिवाइस। अब देखिए यहां पर जो इसका आंसर होगा, जाहिर सी बात है सेकेंड बिल्कुल रॉन्ग है, फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर काफी कम होते हैं, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर कहां पे पहुंच जाते हैं, लगभग मेजोरिटी कैरियर के पास में पहुंचते हैं, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर मैं कहूंगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन ट्रू है, रीजन यहां पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में आपका क्या होता है मेजोरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर्स का क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, द डायोड कंट्रोल इज बाय माइनॉरिटी कैरियर, जाहिर सी बात है करंट जो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण आप रिवर्स बायस में देखते हो पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर का काफी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड विद टेम्परेचर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था DV/dt, है ना, या मैंने आपको लिखाया था ΔV/dt, है ना, तो उसमें लिखवाया था -2.5 mV, ये लिखवाया था मैंने आपको पर डिग्री सेल्सियस मैंने लिखाया था, है ना, -2.5 mV। तो जाहिर सी बात है मिली में करेंगे तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 10^-3 का, है ना, तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात हो रही है पीएन जंक्शन डायोड की, तो सीडी अगर मैं बात करूं तो वो होता है τ × G, टाउ कैरियर लाइफ टाइम होता है, जी कंडक्टेंस होता है, और जी की वैल्यू आप इसमें रखना चाहें तो ऑलरेडी आपको पता है τ × I/ηVT, ये होता है फॉर्मूला बेसिकली, अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको लिखवाया भी है इसके बारे में। इसके अलावा जो आई है, आई क्या होता है
करंट होता है वो क्या होता है, आई नॉट या आई एस होता है, है ना, आई एस ई की पावर वी टी, ई की पावर आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, ई की पावर में होता है वी नॉट अपॉन ईटा वी टी, वी नॉट अपॉन ईटा वी टी, है ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो करंट है, जो करंट है बेसिकली आपकी आई, वो फंक्शन है किसका, आपके बिल्ड इन वोल्टेज का। बिल्ड इन वोल्टेज जितना ज्यादा होगा जाहिर सी बात उसके हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगी तो आपका डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि भैया इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आपका बढ़ेगा तो भैया इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी सीडी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेसिक सा क्वेश्चन था और कुछ भी इसमें चेंज नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड। अब रिवर्स करंट जो है सिलिकॉन डायोड का क्या होता है, पहला बोल रहा है हाईली बायस वोल्टेज सेंसिटिव, बिल्कुल रॉन्ग है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिवर्स करंट पे वोल्टेज का। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवर्स बायस करंट जो होता है वो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, आपने देखा था और मैंने आपको इसके पॉइंट भी लिखाए थे कि 1 डिग्री इंक्रीज होने पर कितने परसेंट से बढ़ता है, डबल कितने भी हो जाता है, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन कंपेयर टू सिंगल डायोड कैन बी विदस्टैंड। अभी दो डायोड है, इनको पैरेलल में हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो आपका वोल्टेज होगा वो आपका लगभग कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन जो करंट होगी वो क्या होगी, एड हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। जैसे यहां से अगर मैं बोलू आईपी जा रही है, यहां से आईपी जा रही है, तो ओवरऑल करंट जो होगी वो 2 आईपी होगी बेसिकली, है ना। तो ट्वाइस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट, बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट,